दोस्तों एक समय ऐसा था जब पूरी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था। जिस धरती पर आज हम चलते हैं, एक वक्त ऐसा था जब धरती पर डायनासोर्स चला करते थे। डायनासोर्स ने लगभग 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उनकी कई प्रजातियां एग्जिस्ट करती थीं, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, कुछ शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। उस समय के डायनासोर पृथ्वी के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने करोड़ों साल तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स को खत्म कर दिया। मानो कभी वो इस धरती पर थे ही नहीं। आखिर इसके पीछे की कौन सी कहानी है, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंघाड़ने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर्स को क्या पता था कि उनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी है। करोड़ों साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मार्स और जुपिटर के बीच बने एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर डायमीटर वाले एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 384 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से ना होता। अगर वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से ना टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा गया होता, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से ना टकराकर उसके बहुत ही करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड 1 सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही प्रेशर की वजह से यह एस्टेरॉयड आग के गोले में तब्दील हो गया। यह धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस मीटियोर को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर सकते थे। दोस्तों अगर ये एस्टेरॉयड जमीन से ना टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जाकर टकराता है। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जिससे बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और यह धमाका बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि यह लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल में बदल गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 की तीव्रता वाला भूकंप लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी अनएक्टिव वोल्केनो को एक्टिव कर दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और फिर हुई धरती के महाविनाश की प्रक्रिया। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी डायनासोर से तो बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था, वह गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट से लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया। इस वजह से पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके में बहुत दूर थे, वो भी इस भयानक गर्मी से बच नहीं पाए।
इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गईं और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बेहद छोटे थे और जमीन के अंदर बिल बना सकते थे। दोस्तों, डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स की। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत कैसे हुई तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज के हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।